नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भक्ति बौछार में। आज हम आपको बताएंगे कि पूजनीय सरकार की कथा में 40,000 पुलिस बल तैनात था। जी हाँ, ये बात हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं और ये बात पूर्णतः सच है। दरअसल ये इतनी ज़्यादा पुलिस की भीड़ इसीलिए है क्योंकि बीते दिन पूजनीय सरकार का दिव्य दरबार था, जो कि बिना नंबर बिना टोकन के लगाया गया था। इस दिन लाखों की संख्या में भक्त मौजूद थे। पूजनीय सरकार की महिमा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, इसीलिए देखिए कितनी भीड़ है। और उन सभी को, या यूँ कहा जाए भीड़ को नियंत्रित में करने के लिए और पूजनीय सरकार की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल तैनात था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल तैनात है। पूजनीय सरकार की कथा में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए इतनी ज़्यादा पुलिस बल तैनात है और भक्तों की सुरक्षा और पूजनीय सरकार की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि बीते दिन पूजनीय सरकार का दिव्य दरबार था। इस दिन इतने ज़्यादा लोग आए थे और यहाँ पर जो पंडाल आमतौर पर लगता है उससे पंडाल की जगह को बढ़ाया गया था, या तो यूँ कहा जाए कि पंडाल को और बड़ा किया गया था दिव्य दरबार के कारण। पूजनीय सरकार की महिमा वाकई में ही अद्भुत है, जिससे कि लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें पूजनीय सरकार का बीते दिन दरबार भिंड गांव के ददरोआ धाम में लगा था। और भी ऐसी बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रही है भक्ति बौछार के साथ।